हेलो फ्रेंड्स, हम फिर एक साथ हैं अपनी नए वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है और हम बहुत कुछ सीखेंगे इससे, क्योंकि आज हम एक ऐसी मेडिसिन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके रेस्पिरेटरी, आपके गैस्ट्रिक और एक बहुत ही मशहूर बीमारी है जो इंडिया में बहुत ज़्यादा फैली थी, अभी भी ये फिर से इसके बहुत ज़्यादा केस बढ़ गए हैं। उसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस। आपकी ट्यूबरक्लोसिस ये जो डिज़ीज़ है, इसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है वूपिंग कफ, जो एक भारी सी गले से आवाज़ होती है जिसे ना कुत्ता खांसी भी कहते हैं लोग, वूपिंग कफ, ड्राई कफ हो जाता है। ये इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस मेडिसिन का नाम है एक्लिफा मदर टिंचर, एक्लिफा इंडिका। ये आपको मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करनी है और ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में सबसे ज़्यादा काम करती है। ये हमारे लंग्स को ओपन कर देती है और इन्फ्लेमेशन कम कर देती है लंग्स से। और आपके जब ये ब्रोंकियल्स ओपन हो जाते हैं तो वहाँ पे आपको खांसी नहीं उठती, ये आपको ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ाती है। बट हाँ, लिमिटेशन है हर चीज़ की। मैं ये नहीं कहूँगी हाँ भाई ये बिल्कुल आप में ऑक्सीजन भर देगी, नहीं, ये आपके लंग्स की इन्फ्लेमेशन कम करेगी। आपके अंदर जो ये बार बार आपको खांसी आ रही है वो वहाँ से नहीं आएगी। दूसरा एक इसका गैस्ट्रिक में बहुत अच्छा रोल है। जिन लोगों को बार बार गैस बनती है और गैस ज़्यादा पास हो रही है, उनको ये सिर्फ एक हफ्ता या दो हफ्ते लेके बंद कर दें, आपकी गैस की समस्या बंद हो जाएगी और आपका GIT भी साफ़ हो जाएगा। तीसरा इसका यूज़ है वो है अगर आपको खांसते हुए ब्लड आ गया या आपकी लंग्स की खांसी में TB निकल के आ गया, तो आपका जो कोर्स है, आप अगर एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप उसे कंटिन्यू करिए। मैं उसको बीच में इंटरप्ट नहीं करूँगा, मैं नहीं कहूँगी हाँ भी आप होम्योपैथी लीजिए उसको छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है, आप उसे लीजिए, लेकिन इसके साथ में इसे भी आप ले सकते हैं, आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे, जल्दी से आपका ब्लड आना बंद हो जाएगा और आपका TB भी जड़ से निकल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और आपका कोर्स आप एंड तक करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपका वूपिंग कफ, आपका ब्लड आना, आपकी गैस और आपका गैस्ट्रिक, आप रेस्पिरेटरी मतलब डिजीज़, ये सब एक्लिफा इंडिका मदर टिंचर से सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा, अगर हम नेचुरल क्योर की तरफ जाते हैं खांसी के लिए, तो जिंजर शहद के साथ आप ले सकते हैं। आप अपने दाढ़ के नीचे हल्का सा दबा के रखिए, आपको खांसी आने बंद हो जाएगी, क्योंकि जिंजर एक्चुअली एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इन्फ्लेमेशन जिस हमारे जो ये ट्रैक में इन्फ्लेमेशन है उसे वो कम करती है। इंट्रालुकिन्स होते हैं हमारे मतलब क्या कहते हैं ब्लड में, तो इंट्रालुकिन पे भी काम करती है बहुत अच्छा। तो अल्टीमेटली ये सब ये इन्फ्लेमेशन कम करती है और आपकी वूपिंग कफ में काम करेगी, शहद के साथ अगर आप जिंजर लेते हैं तो। लौंग का भी और इसमें बहुत अच्छा काम है खांसी में। लौंग का आप हल्की सी लौंग, एक्चुअली लौंग के अंदर का जो ऑयल होता है वो आपके डिसेंसेशन करता है, मतलब ये एक तरह का लिग्नोकेन है, ये एक तरह का एनेस्थेटिक एजेंट है जो दर्द भी बंद कर देता है। तो सेम इसका जूस जब गले में जाता है तो वहाँ की जो ये क्या कहते हैं सेंसिटिविटी है, वो वहाँ की सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाती है और सेंसिटिविटी ख़त्म होते ही आपको आराम आना है, आराम महसूस होता है, बार बार नहीं खांसते आप। जैसे कोरे सेक्शन करता है, मेंटली इफेक्ट करता है, वैसे ही लौंग आपका काम करेगा। और नेचुरली और आप इसमें इनिशियल स्टेज में, जैसे अगर आपको खांसी हो रही है तो इनिशियल स्टेजेस में, बिल्कुल खांसी अगर हुई है, गले में खराश स्टार्ट हुई है, आप गरारे स्टार्ट कर दीजिए गर्म पानी के, नमक डाल के या फिर बीटाडिन के गार्गल या फिर क्लैंडुला मदर टिंचर डाल सकते हैं आप, होम्योपैथिक मेडिसिन है ना क्लैंडुला मेडिसिन, उससे आप डाल सकते हैं और गरारे कर सकते हैं। और उसमें हम सेंग डाल सकते हैं ना तुलसी, ये सब नेचुरल हैं और आप बहुत इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। मैं अपने पेशेंट को मदर टिंचर दे के ही ठीक कर देता हूँ, उनको मतलब डाइल्यूशन देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती एक्यूट में। इवन कोरोना में भी हमने काफ़ी लोगों को मेडिसिन दी हैं और मैंने अपनी जो मेरी जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने वही किया। मुझे जब कोविड हुआ तो मैंने अपना एक्सपीरियंस बेस्ड होम्योपैथिक मेडिसिन ही ली और मैं ठीक हुआ।
क्योंकि हम लोग दिल्ली में, तो दिल्ली में तो काफ़ी ज़्यादा था है ना कोरोना, और सबको हुआ है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर हम एलोपैथिक मेडिसिन की बात करें तो एलोपैथिक मेडिसिन में जो सबसे अच्छा काम करती है वो है ब्रोमहेक्सिम, ब्रोमहेक्सिम है, और डेस्ट्रोमेथॉर्फोन, ये भी मैं नाम डाल दूंगा डिस्ट्रो आपका क्या कहते हैं बॉक्स के अंदर डिस्क्रिप्शन में। डेस्ट्रोमेथॉर्फोन सॉल्ट होता है, या आपका कफ सिरप होता है जो क्या कहते हैं नस क्या कहते हैं सिरप फॉर्म में जो ईजिली मिल जाता है डेस्ट्रोमेथॉर्फोन, इसकी गोलियाँ भी आती हैं, आप वो भी ले सकते हैं। टेस्क्यू है जो आपके गले की खराश को हटा देती है, लेकिन अगर आपको वूपिंग कफ हो रहा है तो वूपिंग कफ में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है सूखी सूखी खांसी में, तो उसमें आप इनहेलर यूज़ कर सकते हैं, जो भाप वाले कैप्सूल आते हैं आपके। सबसे पहला है क्या कहते हैं अस्थलिन, मैं बूडीकोट को ज़्यादा रिकमेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि वो एक स्टेरॉयड है, स्टेरॉयड से ज़्यादा आप अस्थलिन 0.63 में, अगर एडल्ट हैं तो 0.63 में लीजिएगा, और अगर आप मतलब कि बच्चे के लिए ले रहे हैं तो 0.31 में लीजिएगा, ठीक है। और दिन में 2 से 3 बार अगर आप इसमें नेबुलाइजेशन करते हैं तो आपके वूपिंग कफ में काफ़ी ज़्यादा आराम आता है, काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा आपको। और मेडिसिन की बात करें तो डेस्ट्रोमेथॉर्फोन बहुत अच्छा काम करती है, इसके अंदर ब्रोमहेक्सिम बहुत अच्छा काम करती है, और इनके ब्रांड नेम की अगर मैं जो बात करूँ तो ब्रोमहेक्सिम इपका कंपनी का आता है, और एक ब्रोजेडेक्स के नाम से भी सिरप आता है जो बहुत अच्छा काम करता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने जो खांसी के बारे में बात करी है, गैस के बारे में बात करी है। गैस के लिए आप नेचुरली क्लोव भी बहुत अच्छा काम करती है, जिंजर बहुत अच्छा काम करती है, और एक और मेडिसिन है हमारे होम्योपैथिक की नक्स वोमिका, ये आप अगर आपको ज़्यादा ही गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो इसको 200 पोटेंसी में एक बार आप ले लीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन इसको रिपीट नहीं करना, मेरी कोई मेडिसिन रिपीट होम्योपैथिक मेडिसिन कोई भी रिपीट नहीं करनी है सिवाय मदर टिंचर की। अगर डाइल्यूशन ले रहे हैं तो उसको रिपीट नहीं करेंगे, सिंगल डोज लेंगे आप। अगर आप एलोपैथी मेडिसिन के बारे में वो गैस में, तो सुबह सुबह खाली पेट वाले कैप्सूल आते हैं, ओमी वगैरह है, ओमेप्राजोल होता है, पेंटाप्राजोल होता है उसके अंदर, है ना, तो ये लोग लेते हैं, क्योंकि रेंटेक वगैरह है ये लोग लेते हैं सुबह सुबह, या फिर गैस जब बन तब ले लेते हैं। मैं तो कभी ये सब यूज़ नहीं करता, लेकिन हाँ आप लोगों को पता होना चाहिए ये नॉर्मल मेडिसिन है, ओटीसी में काम आती है, तो ओवर द काउंटर ड्रग है, आप इससे ले सकते हैं। अगर पेट नहीं साफ हो रहा, मतलब अगर आपका पेट नहीं साफ हो रहा है तो उसके लिए आप डल्कोफ्लेक्स आती है, या फिर क्रिमाफिन सिरप आती है, आयुर्वेदिक में पेट सफा आता है, और आपका कायम चूर्ण आता है, ये सब आते हैं जो कि बहुत अच्छे इफ़ेक्टिव हैं, लोग बहुत ज़्यादा इनको यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मैं होम्योपैथिक की बात करूँ तो हमारी एक मेडिसिन आपकी खांसी भी ठीक करेगी, आपकी गैस्ट्रिक भी प्रॉब्लम ठीक करेगी, आपकी लंग प्रॉब्लम भी ठीक करेगी, इसलिए होम्योपैथी मुझे बहुत ज़्यादा बेस्ट लगती है। आपको अलग अलग मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपना नेचर जानना है, आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, वो आपका सिंपल नेचर जानेगा और एक मेडिसिन, सिंगल मेडिसिन देगा और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो होम्योपैथी बहुत ही मिरेकुलस है, इस वजह से मैं होम्योपैथी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, लाइक करें, शेयर करें, और इवन कमेंट करें, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाता रहूं, और आप नॉलेज को बढ़ाते रहें मेरे साथ, और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम लोग अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे एक साथ, बहुत धन्यवाद।